की कथा सुनने के बाद आपकी चित्तवृत्ति में अगर कहीं शिवजी बैठे और आप कभी शंकर जी के मंदिर पर जाएं, शिव मंदिर में कभी पहुंचे, आपके पास में अगरबत्ती नहीं, दिया नहीं, माचिस नहीं, बेलपत्र नहीं, सामग्री नहीं, तो प्रयास करना कि जो वहां फूल वगैरह रखा हो हम उससे भी भगवान शंकर का श्रृंगार कर सकते हैं। क्या मिलेगा? तो कभी कथा का स्मरण करें आप, मातंग बाबा की कथा का स्मरण। प्रतिदिन माता शबरी रोज प्रतिदिन जहां से संत निकल कर जाते थे रोज मार्ग को सजाते थे, प्रतिदिन सजाते थे, प्रतिदिन। और कितना सुंदर वो श्रृंगार करती थी प्रतिदिन, संत बड़े प्रसन्न होते थे। संतों ने कहा, शबरी अम्बा आपने संतों के लिए इतना सुंदर रास्ता बनाया है, जरूर अगर आप इसी तरह से श्रृंगार करते रहेंगे तो एक ना एक दिन मेरे राम तेरे कुटिया में जरूर आएंगे, ये निश्चित है, निश्चित। मेरे राम जरूर पहुंचेंगे, बस आप इसी तरह से रास्ता निर्मल करते रहें। शिव महापुराण की कथा कर रही है, करकटी ने भी वही करा जो शबरी अम्बा करी थी, उठाए पुष्प और भगवान का श्रृंगार कर रही, भगवान का श्रृंगार। एक बात थोड़ा सा चिंतन उतारिएगा कि आप परमात्मा का श्रृंगार करते हो, जैसे एक प्रसंग आता है, किसी ने प्रश्न किया था कि गुरु जी जब कोई किसी को प्रणाम करता है, झुकता है, प्रणाम करता है, तो जिसको प्रणाम करा जा रहा है वो बड़ा होता है कि जो झुक रहा होता है वो बड़ा होता है? ये किसी का एक पहले प्रश्न था, बहुत पहले, और उसका उत्तर भी हम दिए उस समय पर कि जिसको प्रणाम करा जा रहा है वो बड़ा है मान लें, पर जो प्रणाम कर रहा है वो उससे बड़ा है क्योंकि वो झुक रहा है। और शिव कथा करती है प्रणाम करने वाला जब प्रणाम करने झुकता है तो सामने वाले व्यक्ति को उसको उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है, सामने वाले व्यक्ति को उसको उठाने के लिए झुकना ही। ये उसकी प्रबलता, ये उसका प्रबलता है, ये उसका आनंद है। श्रृंगार करिए, आपसे ज्यादा कुछ ना बने, आप कोई वस्तु नहीं ले जा सकते, जो मंदिर में फूल पड़ा हो, जो भगवान के सामने सामग्री रखी हो उसी से, आपके पास में पांच बेलपत्री मिल गई ना आपको तो पांच बेलपत्री में भी आप श्रृंगार कर सकते हो। एक बेलपत्री धोई अशोक सुंदरी के सामने लगा दी, एक बेलपत्री धोई गीली कर भगवान शंकर के शिवलिंग पर चिपका दी, एक बेलपत्री भगवान शंकर की कटी पर लगाकर श्रृंगार कर दिया, एक बेलपत्री तुमने जहां अशोक सुंदरी के पास में गणेश जी बैठे हैं वहां श्रृंगार कर दिया, एक बेलपत्री तुमने उठाकर कार्तिक के बाबा के वहां श्रृंगार कर दिया, कोई फूल मिल गया उस फूल को तोड़कर उसकी पत्तियों से बाबा का श्रृंगार कर दिया, क्या मिलेगा? ये करकटी की कथा करिए, करकटी के पास में कोई वस्तु नहीं थी, पूजन की कोई सामग्री वहां रखी हुई थी, जो रखा था वो उठाकर समर्पित कर रही, ना मन पर जानती, ना तन पर जानती, ना साधना जानती, ना उपासना जानती, वो तो केवल एक काम कर रही है, भगवान शंकर का श्रृंगार कर रही है, इतना तो जानते हैं ना बहुत। और आप में कई माताएं ऐसी होंगी जो कोई पूजन की पद्धति नहीं जानती, कोई नियम नहीं जानती, केवल जो मन में आया वो कर दिया। हरतालिका तीज का पूजन होता है, पंडित जी तो केवल एक बार पोथी पढ़कर संकल्प छुड़ाकर चले जाते हैं, पर रात भर जो माताएं पांच पूजन करती हैं, छह सात पूजन करती हैं, वो माताएं जब पूजन करती हैं तो कोई पंडित जी वहां रात भर नहीं रहता, वो तो दिल से बस जो बन गया वो भगवान को समर्पित करती चली जाती है। कहीं कहीं तो ऐसी बुद्धि में बैठता है कि पहले पानी चढ़ा देगी, फिर दही चढ़ा देगी, दही भी नहीं चढ़ाया तो डायरेक्ट दूध से ही भगवान को स्नान करा देगी, वो सब भूल गई तो जो सामान रखा था उसकी थाली में वो चढ़ा देगी, उसकी चित्तवृत्ति में ये नहीं है कि उसने क्या चढ़ाया और क्या ना चढ़ाया, वो दिल से समर्पित है, हृदय दिया उसने निर्मल मन सो मोही भावा, मोही छोल चित्र कपट ना भावा, मुझे केवल भाव चाहिए, केवल भाव। और वो निर्मल भाव भगवान ने दिया। करकटी, लंका अधिपति रावण रोज अभिषेक कर रहा था, शंकर भगवान प्रकट नहीं हुए, मंदोदरी रोज अभिषेक करवा रही थी, भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए, पर आज करकटी बैठी है और मात्र श्रृंगार करा और शंकर भगवान माता पार्वती के साथ प्रकट हो गए। मांग करकटी तुझे क्या चाहिए, तू बोल तुझे क्या चाहिए।